नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 70वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए 70 दिनों की एक टारगेट सेट कर रहे हैं जिसका नाम है प्रारंभ, और उसमें हम लोग कुछ टारगेट्स देते हैं डेली के लिए आपको, और वो आप पूरा करते हैं। और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज डे 23 है, डे 23 है, और डे 23 में हम लोग पहुंच चुके हैं एंशिएंट हिस्ट्री में मौर्य साम्राज्य और मौर्योत्तर काल पर। आज का जो टारगेट है उसमें सबसे पहले एंसेंट में आपके दो चैप्टर हैं, पहला है मौर्य साम्राज्य और दूसरा मौर्योत्तर काल, ये आपको घटना चक्र से करना है। साइंस में आपको करना है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, क्लास 10th की एनसीईआरटी से। इसके बाद अब बिहार की एंसेंट हिस्ट्री, चूंकि मॉडर्न हिस्ट्री हमने बिहार की कंप्लीट कर ली है, तो बिहार की एंसेंट हिस्ट्री में आपको चैप्टर वन में देखोगे आप टोटल एंसेंट हिस्ट्री में 28 पेज है, तो आपको 14 पेज कंप्लीट कर लेने हैं उसके, यानी आधी एंसेंट हिस्ट्री आपको कंप्लीट कर लेनी है। करंट अफेयर में आप लोग स्पीडी से 1 से 7 मई का करंट अफेयर आप लोग कर लें, और पॉलिटी में घटना चक्र से आप लोग मूल अधिकार कर लें। ऐसा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों ने टारगेट्स न सिर्फ लिख लिए होंगे बल्कि पुराने टारगेट्स का रिविजन भी कर रहे होंगे और उसको अच्छे से याद कर रहे होंगे। आप लोग जब इसको पढ़ते हैं तो इसके बाद ये देखिए जाके PY2 में कि क्या आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, क्या आपने जो तैयारी की है वो सही दिशा में जा रही है। अगर आप सही दिशा में जा रहे हैं तो उसके लिए आपको बीपीएससी द्वारा जो PY2 है उसको देखना चाहिए, क्योंकि हम लोगों का लक्ष्य उस एग्जाम को पास करना है या करवाना है। तो जब तक आप उन क्वेश्चंस को नहीं देखेंगे तब तक आपकी समझ उतनी विकसित नहीं होगी, तो आप लोग PY3 भी देखते रहें। मैं जल्दी आपके लिए एक वीडियो भी लेके आऊंगा, जो वीडियो इस बात पे निर्भर होगी कि आप प्रीलिम्स के एग्जाम में, रियल एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तब आप क्या करेंगे। कुछ क्वेश्चन जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के होते हैं उसमें कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स भी काम करती है, उसको भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग जो है अच्छे से पढ़ते रहिए, हम पूरी कोशिश करेंगे, हम लोग अपनी तरफ से पूरा एफर्ट लगाएंगे कि आप एग्जाम में हाईएस्ट से हाईएस्ट मार्क्स स्कोर करें। धन्यवाद।